आइए वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे पर जुड़े मिशन फंगल फ्री इंडिया 2.0 से और इस मौके पर जाने देश और अपने शहर की प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि रस्तोगी से कि हाथों और त्वचा की कैसे करें सही देखभाल। नमस्कार मैम। नमस्कार कानपुर, मैं डॉक्टर रश्मि फॉर्चून हॉस्पिटल कानपुर से स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे से जानिए हैंड हाइजीन के बारे में सही जानकारी ताकि आप इन्फेक्शन से बच सके। आवर हैंड्स आवर फ्यूचर। मैम, किस तरह के इन्फेक्शन में कैच कर सकते हैं हम अगर हम हैंड वॉश प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं या हैंड हाइजीन फॉलो नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोरोना के समय सबको अब इम्पोर्टेंस पता लग गई होगी कि कितनी हैंड वॉशिंग से इम्पोर्टेंस है। कई बार लोग छींकते हैं खांसते हैं तो अपने हाथ में छींक खांस लेते हैं, वही हाथ से हैंडशेक हो जाता है। कोरोना वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। जितने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वायरसेस होते हैं ये भी क्लीन हैंड्स अगर होंगे तो आपको नहीं होंगे। और हेपेटाइटिस है, इससे भी बचा जा सकता है। हमें अपने हाथ क्यों धोने चाहिए? एक्चुअली क्या होता है कि हमें कुछ जीवाणु दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं। आपके जो हाथों की लकीरें होती हैं उनमें छोटे छोटे जीवाणु घर कर लेते हैं, तो जब भी आप खाना खाते हैं एक तो उनकी एंट्री बंद करने के लिए कि आपने कुछ कचरा छुआ या कुछ भी गंदी चीज़ छुई तो आप हाथ धो लिए। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ खा रहे हैं तो भी आपने अपने हाथ धो लिए फिर खाया, तो ये सारे जीवाणु हट जाते हैं। उसके लिए हाथ के को धोना जरूरी है। हाथ धोने का सही तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपके पास लिक्विड सोप हो बेटर है, क्योंकि जो बार सोप होते हैं उनमें गंदगी कलेक्ट हो सकती है। लिक्विड सोप हो और फ्लोइंग वाटर में हाथ धोइए एंड 20 सेकेंड्स का मिनिमम हैंड वॉश होना चाहिए। और सारे हाथ के मतलब फिंगर्स के लोअर साइड, अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा और नाखून के एजेस, ये सब आपको हाथ अच्छे से धोने ताकि नाखून के नीचे की भी गंदगी साफ हो जाए। और मिनिमम 20 सेकेंड्स का हैंड वॉश जरूरी है। हम बात करें कि कोई है जो हाइजीन नहीं फॉलो करता है हैंड हाइजीन, तो उसका रिस्क क्या क्या है और किस तरह के लोगों को ज्यादातर इसका रिस्क रहता है? सभी को हैंड हाइजीन फॉलो करनी चाहिए क्योंकि सभी को ये रिस्क, जो भी दिख नहीं रहा है वो भी जर्म्स फैला सकते हैं। और स्पेशली जो पब्लिक प्लेसेस में काम करते हैं और या आप पब्लिक प्लेसेस से होके आए हैं, सुपरमार्केट्स हैं, कैश कार्ड्स हैं, वो ट्रॉली कार्ड्स हैं, इन सबको आप टच कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रही गंदगी, पर वो सब आपके चिपक सकती है अगर आप प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करेंगे। When should I wash my hands? मतलब मुझे कब हाथ धोने चाहिए? सबसे पहले शौच जाने के बाद, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, उसके बाद बीमार व्यक्ति है उसको टच करने से पहले भी हाथ धोइए और उसको टच करने के बाद भी हाथ धोइए। नवजात शिशु है उसको भी आप क्लीन हैंड से छुइए। पब्लिक डोर हैंडल्स छुए हैं, करेंसी नोट छुए हैं, किसी भी अनजान जगह को छुआ है तो आप हाथ धो लीजिए। कभी भी घर में आ रहे हैं या ऑफिस से, ऑफिस के अंदर एंट्री ले रहे हैं तो पहले आप हैंड वॉश करिए, तब आप बैठिए तो आप गंदगी बाहर ही छोड़ आएंगे। थैंक यू मैम। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर फंगल फ्री इंडिया बाय द मेकर्स ऑफ लूलिस फ्रॉम इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड।